BSNL में सिम कार्ड पोर्ट करने वाले यूजर्स ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, क्योंकि टाटा ने BSNL के साथ मिलकर 140 करोड़ भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा, और BSNL के नए ग्राहकों को फ्री में मिलेगा 4G डेटा। तो अभी तक भारत संचार नगर लिमिटेड, जो अभी तक चुप बैठी थी, अब वह मौके का फायदा उठाते हुए फुल पावर में आ चुकी है। BSNL की घर वापसी ने एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां जियो, एयरटेल और VI के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगे करने के कारण मोबाइल यूजर परेशान हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ BSNL ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगे करने के बजाय और भी सस्ता कर दिया है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कम्युनिकेशन के सामने दिन पर दिन मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि मोबाइल यूजर के अच्छे समय आ गए हैं, जब दोबारा से BSNL राज करने जा रहा है। और हाल ही में खबर निकल कर सामने आ रही है कि BSNL ने 5G की टेक्नोलॉजी पर कई मामले में सफलता हासिल कर ली है, और थोड़ी बहुत ही टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस पर BSNL अभी भी काम कर रहा है। एक तरफ BSNL के 5G टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, और दूसरी तरफ BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड और रतन टाटा दोनों मिलकर सभी लोगों तक जल्द से जल्द 4G नेटवर्क पहुंचाने में जुटे हैं। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, BSNL की घर वापसी ने जियो, एयरटेल और VI का जीना हराम कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो में भारतीय टेलीकॉम द्वारा इस अनाउंसमेंट को सुनिए। इसमें आप साफ साफ सुन पाएंगे कि हाल ही में भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात का खुलासा किया कि इसी साल के कुछ महीने में BSNL 5G नेटवर्क लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी कमर कस चुका है, और आने वाले 6 महीने के अंदर यानी कि इसी साल के अंत तक 200 से अधिक शहरों में BSNL के 5G टावर को सेटअप किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले BSNL ने साल 2025 में 5G सर्विस को उपलब्ध करने का प्लान बनाया था, लेकिन लोगों का रुझान इतनी तेजी के साथ BSNL की तरफ दिख रहा है और लाखों लोग अपने सिम को BSNL में पोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अब BSNL भी फुल पावर में आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण BSNL और टाटा मिलकर पूरे भारत में 5G नेटवर्क को साल 2024 के अंत तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में झुक चुके हैं। हालांकि यहां पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 5G नेटवर्क को सबसे पहले उन शहरों में पहुंचाया जाएगा जहां पर ऑलरेडी BSNL बेस्ड के 4G नेटवर्क मौजूद है, जबकि जिन जगहों पर अभी भी BSNL के 4G नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, वहां पर पहले 4G टावर को सेटअप किया जाएगा। उसके बाद 4G टावर अच्छे से काम करने के बाद जल्द ही उन्हें 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। और यूजर्स के लिए कमाल की बात यह है कि BSNL ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए सीधा बता दिया कि BSNL हाई स्पीड नेटवर्क तो प्रोवाइड करेगा ही, इसके साथ ही रिचार्ज टैरिफ में कोई भी प्लान बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। और इस समय जिस तरीके से BSNL सस्ते प्लान इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरह आगे चलकर सबसे कम प्राइस में इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड करता रहेगा। यानी कि वह समय अब जल्द ही आने वाला है जब प्राइवेट सेक्टर की यह तीनों कंपनियां या तो अपने रिचार्ज प्राइस को कम करेंगी या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अलविदा कहने को तैयार हो जाएं। दोस्तों, BSNL इतनी तेजी के साथ घर वापसी कर रहा है कि जियो का जीना हराम होने जा रहा है, और पिछले कई दिनों में BSNL के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे गवर्नमेंट को भी अब पता चल चुका है कि अगर BSNL पर थोड़ा बहुत और ध्यान दिया जाए तो इससे BSNL फिर से मार्केट का किंग बन सकता है। क्योंकि हाल ही में एक आंकड़ा निकल कर आया है कि केवल पिछले कुछ दिनों के अंदर कई हजार सिम पोर्ट हो चुके हैं, जो कि देखा जाए तो अपने आप में ही BSNL के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके साथ जियो, एयरटेल और VI के ग्राहक जुड़ चुके हैं। और जैसे जैसे नए नए ग्राहक BSNL के साथ जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे BSNL भी अपने नए नए प्लान की अनाउंसमेंट कर रहा है। आपको बता दें कि जियो, एयरटेल और VI के द्वारा रिचार्ज महंगा किए जैसे 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 दिन बीतता जा रहा है,
वैसे वैसे लोगों में उनके प्रति और ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर देखने को मिल रहा है। और इसके बाद सभी लोगों को एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, और वह BSNL, क्योंकि BSNL के प्लान तो सस्ते हैं, ही साथ ही BSNL अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने के लिए कई और तैयारी कर चुका है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि BSNL 5G के टेस्टिंग करने में हाथ धोकर जुड़ चुका है। हालांकि BSNL कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नेटवर्क को पहुंचाया जाए, और इसीलिए BSNL को थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। फिलहाल देखा जाए तो BSNL ने जब 5G की टेस्टिंग की तो उसी दौरान 1GB पर सेकंड से ज्यादा डाउनलोड स्पीड और 400MB पर सेकंड के अपलोड स्पीड देखने को मिली। फिलहाल आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इसकी टेस्टिंग भले ही BSNL ने पूरे तरीके से कर ली है, लेकिन BSNL के पास फुल 5G टेक्नोलॉजी नहीं है। BSNL ने 5G कंटेंट्स के लिए एरिक्सन और सैमसंग जैसी विदेशी कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस समय BSNL विभिन्न ऑप्शन के साथ 5G का परीक्षण कर रहा है, और यह निर्धारित करने के लिए काम कर रहे कि उनके लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा है, ताकि यूजर्स को हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया कि अधिकारियों की तरफ से BSNL में पोर्टेबिलिटी को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया गया है, जिसने एक बार फिर से एयरटेल, जियो और VI को उसकी औकात दिखा दी है। दरअसल यह खबर अब से कुछ ही घंटे पहले जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि हाल ही में 1,05,000 से भी ज्यादा मोबाइल यूजर जो अभी तक जियो, एयरटेल और VI का सिम कार्ड यूज कर रहे थे, उन्होंने अपने सिम कार्ड को BSNL में पोर्ट करा दिया है। और यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों ने सिर्फ 13 दिन के अंदर 1,05,000 सिम को BSNL में पोर्ट कराया है, क्योंकि जहां जहां पर BSNL के 4G टावर लगाए जा चुके हैं वहां पर काफी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। और साथ ही BSNL के रिचार्ज प्लान की कीमत जियो, एयरटेल की तुलना में लगभग आधी है, और बेनिफिट कई सारे दिए जा रहे हैं। और इस समय BSNL के साथ कई नए ग्राहक जोड़ने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि हर रोज लगभग 10,000 यूजर BSNL में अपने सिम कार्ड को पोर्ट करा रहे हैं। और इसके अलावा BSNL के 2G और 3G वाले पुराने ग्राहकों के लिए 4G सिम में बदलने का काम फ्री में किया जा रहा है। फिलहाल आप लोग BSNL की घर वापसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।